मेरा प्यार मोड़ दे। सर तुम यूं सबसे अलग थलग क्यों खड़ी हो? चलकर मुझे मिठाई खिलाओ। अरे अर्चमन भानु, आप परेशान नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आदिल से इसकी बहुत दोस्ती है। बिरसा, सुना है वकार आया था? हाँ तो तुम्हारी बात हुई? जैसे कोई आंधी तूफान की तरह आता है वैसे आए, अपनी बात कही और फिर चले गए। हाँ तो कहा क्या उसने? यही कि तुम लोग क्या रिश्ता तोड़ोगे, मैं ही तोड़ता हूँ ये रिश्ता। ये रिश्ता तोड़ने की बात किसने किया? मुझे नहीं पता आदिल, अगर वो मेरे साथ बैठते तो शायद मैं पूछ लेती, लेकिन वो तो जैसे बस अपने दिल का गुबार निकालने के लिए आए थे, निकाला और चले गए। वैसा तो मेरी बात मानोगी? वैसा यूं सब लोगों की बात मत मानो, तुम बात से बात बनेगी, कोई कुछ कहेगा और तुम्हारा मामला उलझता जाएगा। प्लीज खुद हिम्मत करो और जाके वकार से बात करो। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की आदिल, वो मेरा फोन ही नहीं उठाते, काट देते हैं। तो जाओ जाके डायरेक्ट मिल लो ना उससे, वो मिलने से तो इनकार नहीं करेगा ना। ऐसा ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें खुद अपनी जिंदगी के लिए फैसले करने होंगे। Thank you.
फिरसा इन सब लोगों की बात मत मानो तुम। बात से बात बनेगी, कोई कुछ कहेगा और तुम्हारा मामला उलझता जाएगा। वाली कौन है और यहां क्या करने आई थी? मैम रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ले आओ और आपके लिए ब्लैक कॉफी, दो ब्लैक कॉफी कर। सर मैंने इनको बहुत रोका है लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कमरे में घुसती चली आ रही। आप जाओ जी, फरमाइए कौन है आप? क्या कर रही हो मेरे ऑफिस में? आपसे बात करने आई हूं। चलो यहां से, मेरे ऑफिस वालों को मेरे बारे में गॉसिप करने का मौका मत दो विरसा। मैं समझी नहीं। मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें यहां देखे, वो 20 साल में। हाँ मेरे साथ। तुम्हारे घर वाले जो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्या वो कम है जो अब तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करवाने मेरे ऑफिस तक चली आई? आपकी बेइज्जती करने नहीं आई थी मैं, और क्या करूँ आप मुझे खुद बताएं। मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, आप बात नहीं करते। कॉल करती हूँ, आप फोन रिसीव नहीं करते। उस दिन भी आप घर आए थे तो बस अपनी बात करके चले गए, मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। तुम जो भी कहना चाहती हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उन्हें शादी वाले दिन भी नहीं रोक पाई थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें अब भी नहीं रोक पाओगी। अगर आप मुझे इतने खफा क्यों है? तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है विरसा। अगर मियां बीवी के रिश्ते में बीवी कमजोर हो या बुझते लो तो अपनी मियां की इसी तरह बेइज्जती करवाती जिस तरह तुम मेरी करवा रही हो। आपको कोई गलत फहमी है, मेरे घर पे ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपकी इज्जत ना करता हो। बिरसा या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, पता नहीं कहाँ चली गई है, ऊपर भाभी जान के पास। नहीं, वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर कहाँ चली गई है? या अल्लाह, इसके अप्पू के भी आने का वक्त हो गया, वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? विरसा मेरी बच्ची कम से कम अपनी माँ को तो बता देती। झूठ मत बोलो तुम। उस दिन तुम्हारे अब्बा ने जिस तरह फोन करके मेरे बाबा को धमकियां दी हैं, बेइज्जती की है, कसम से उनकी जगह कोई और होता ना तो। बाबा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप बस खफा ना हो मुझसे। राजी रहने का क्या फायदा? तुम्हारे घर वाले
तुम्हारे घर वाले तो मेरा तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना, और तुम भी तो मुझसे खुला लेना चाह रही हो, तो यहाँ क्या देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? अल्लाह ना करे कैसी बातें करें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लंबी उम्र दे। आपसे किसने कहा है कि घर वाले आपसे रिश्ता तोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं? मैं तो आपसे खुला लेने का सोच भी नहीं सकती थी, आपको एतबार नहीं है मुझ पे? एतबार ही तो किया था जिसके सिले में ये सब मिला है। आपसे किसने कहा है कि मेरे घर वाले आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको यही यकीन दिलाने आई हूँ कि भले मेरे इख्तियार या बस में ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन आपसे रिश्ता रखना मेरे इख्तियार में, और ये इख्तियार मैं कभी किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। कैसे चाहिए मेरा साथ? मेरे घर वालों की जो बेइज्जती हुई है उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर कैसे लेके जा सकता हूँ विरसा? फिर जब तक तुम्हारे घर वाले खसूसन तुम्हारे भुताया मेरे बाबा से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक तुम्हारी रुखसती मुमकिन नहीं है। आप ऐसा तो ना करें, हमारे रिश्तेदारों की वजह से हमारे रिश्ते को तो सजा मत दें। अगर तुम्हारी तरफ तुम्हारा खानदान है ना, तो मेरी तरफ मेरे वालदेन है, मेरा वो बाप जिससे सारी दुनिया झुक के सलाम करती है, और हमारी शादी के बाद से मैंने उनका सर झुका हुआ देखा है, लेकिन अब और नहीं। मैंने कह दिया तुमसे विरसा, जब तक तुम्हारे ताया मेरे अब्बा से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। आप कुछ तो करें, आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने घर ले भी जाता हूँ तो वहां कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा और ना ही तुमसे बात करेगा, और फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता। बोलो मंसूर, लड़की जात को इस तरह बिना बताए घर से गायब होना चाहिए था? हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है भाई, जब विरसा का निकाह भी हो गया है इसके बावजूद वो अभी तक माँ बाप के घर में रह रही है। अरे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो ससुराल वाले तो उसे पहले ही घर रखने के लिए तैयार नहीं है, मजीद माँ बाप की जगह साई होगी भाई। चाचू वो आ गई, चाचू विरसा आ गई है, बाहर खड़ी, बाहर आई, आ जाए। कहाँ गई थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं विरसा, कहाँ गई थी, किससे मिलके आ रही हो और अकेली क्यों निकली हो घर से? मंसूर अभी तो आइए, दो मिनट के लिए सांस तो बहाल करने दें इसे, देखे ना कैसी डर और सहम गई है ये। आपने जो पूछना है ना बाद में पूछ लीजिएगा, तुम आओ मेरे साथ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। हंस करो बेटा, बैठो यहाँ पे बैठो, अब रोना तो बंद करो बेटा और मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। कहा का दिल मुझसे बहुत खराब हो गया, वो मुझे आपको हम सबको कबाब करने के लिए तैयार नहीं। बेटा तुम्हें जरूरत क्या थी उससे मिलने जाने की, वो भी ऐसे अकेले? मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनसे मिलूंगी, बात करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात दीवानी, उसने क्या तुमसे कोई बदतमीजी की है? नहीं, लेकिन उनके पास शिकायतों का एक तूफान खड़ा था, उस तूफान में मुझे डर है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मुझे हमारे रिश्ते को। तुम लोगों ने मुलाकात कहाँ की थी जी? मेरा मतलब है तुम दोनों कहाँ मिले थे?
के ऑफिस गई थी पहले और फिर वहां से रेस्टोरेंट लेके गए थे। अम्मी खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो तो मुझे सीधे वो बात भी नहीं करते। आहिस्ता बोलो, आप अपने आप को संभालो। पहले ही तुम्हारे अब्बू और ताया ने सख्त जरा की है मेरे साथ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब चलो उठो, सबके सामने चल के पेशी दो। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो बेटा, सबके सामने सारा इल्जाम तुम मुझ पे डाल देना। कह देना कि अम्मी की इजाजत से मैं वकार से मिलने गई थी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? लेकिन ऐसे तो अब्बू अफवाह होंगे ना मुझ पे, गुस्सा करेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त तुमसे खफा हो या तुमसे नाराज हो। तुम पहले इतनी परेशान, चल उठो उठो आजा। उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्यों हर जगह तुम उसके पीछे और वो तुम्हारे साथ नजर आता है? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? कैमरामैन तो था नहीं रूम में, तो मैं उसका कैमरा ले आई। अब पिक्चर्स देखते हैं। ये क्या है बेटा? क्या मतलब कि ये क्या है? तुम्हें शादी की सबकी तस्वीरें बनाने के लिए बुलाया था या फिर कहा था कि खाली सितारा नामा छापो तुम? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। अरे विरसा, ये तुमने क्या किया? अपने बाप और अपने ताया की इज्जत पे पांव रखकर ऐसे शख्स से मिलने के लिए चली गई जो तुम्हारे बुजुर्गों को अपने जूते की नोक पे रखता है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने बाप के साथ साथ मुझे भी सख्त मायूस किया है। बोलो विरसा, क्यों गई थी उससे मिलने? विरसा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे जहर लग रही है। किसकी इजाजत से गई थी, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझसे पूछा क्यों नहीं? मंसूर, ये मुझसे इजाजत लेके गई थी। तुम जानती थी कि ये कहां जा रही है? और तुमने फिर भी इसे उस शख्स से मिलने के लिए जाने दिया, रोका नहीं। और रोकना तो दूर की बात है फातिमा, तुम ये बात मुझसे भी छुपा कर बैठी हुई थी। मैं आपको बताने वाली थी, बस भाई और भाभी के जाने का इंतजार कर रही थी। क्यों, ये जाने का इंतजार क्यों कर रही थी? मेरे बड़े हैं ये, हमारे घर के बड़े हैं ये, उन्हें मेरी इज्जत का, मेरी हैसियत का कोई एहसास है। और तुम्हें क्या है? तुमने इसे उस शख्स से मिलने के लिए जाने दिया जो हमें दिन रात जलील करता है, जो इस घर में आकर इसे छोड़ने की धमकी दे चुका है। आप कुछ भी कहें मंसूर, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये दोनों एक दूसरे के मियां बीवी हैं। जबान को लगाम दो फातिमा, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी बेहयाइयों की वजह से तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। माफ करना मंसूर, ये तुम्हारी बीवी फिर झूठ बोल रही है। अरे जब इसको पता चला ना कि विरसा घर पे नहीं है, ये तो परेशान हो गई। अगर ये फिर झूठ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई राज है। देखो भाई, मैं कोई लगाई बुझाई वाली बात नहीं कर रही, तुम बुरा मत मानना, लेकिन भाई तुम सरबरा हो इस घर के, तुम्हें हर मामले का सच पता होना चाहिए। तुम जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है फातिमा, और अगर तुमने मेरे घर में रहकर झूठ ही बोलने हैं तो फिर माफ करना, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और कोई बीच में मत बोले, तुम क्या औरत हो जिसे अपने शौहर की इज्जत का एहसास नहीं, अपने घर की इज्जत का एहसास नहीं, उसे इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। मेरी बात तो सुन ले मंसूर, रुक जा। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें जाना होगा। बंद कर दे, बंद। मैं खुद गई थी अपनी मर्जी से, मम्मी को भी नहीं पता था मैं कहां क्यों गई हूं। मम्मी को माफ कर दे अब्बू, मम्मी का कोई कसूर नहीं है। वो तो सारा इल्जाम अपने सर ले रही थी, था क्या?
शौहर है मेरे। आप सब लोगों की लड़ाइयों में मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अपने शौहर को मनाने गई थी मैं, अपना घर बचाने गई थी। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बदले में आप मुझे और अम्मी को सड़क पे खड़ा कर देंगे? नहीं, लेकिन मुझसे बातें छुपाना, मुझे अंधेरे में रखना, मुझ पे एतबार न करना, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। और तुम लोग अगर समझते हो कि तुम्हें दुनिया का मुझसे ज्यादा पता है तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तुम दोनों समझ लो कि मंसूर मर गया है। अरे बेचारा, क्या हुआ है? परेशान लग रही हो तुम? तो वकार के साथ लंच पर गई थी। कैसा रहा लंच, बताया नहीं तुमने? लंच से पहले ही वहां छापा पड़ गया। छापा? कैसा छापा, ये क्या कह रही हो? वकार की बीवी का छापा, आज वो उसके ऑफिस पहुंच गई थी। अल्लाह, वर्षा के इतने पाँव निकल चुके? मैं तो उसे इतना दिलेर नहीं समझती थी, और उसके माँ बाप ने भी उसे आने दिया। अजीब बेलगामी है, दोनों खानदानों में ईंट और पत्थर चल रहे हैं, और बेटी मुंह उठाकर खुद शौहर के ऑफिस पहुंच गई राहे रसम बढ़ाने के लिए। हद है। अच्छा आगे बताओ, आगे क्या हुआ? होना क्या है, आपका भतीजा मशरकी शौहर बनकर उसे ऑफिस से बाहर ले गया, लंच पर ही ले गया होगा, और फिर यकीनन उसे घर भी छोड़ने गया होगा। आफ्टर ऑल बीवी जो है उसकी, और वैसे भी मशरकी शोहर अपनी बीवियों को घर तक छोड़ने जाते हैं उनके बॉडीगार्ड बन के। तुम्हें वकार पर गुस्सा आ रहा है? गुस्सा मुझे वकार पे नहीं, उस विरसा की बच्ची पे आ रहा है। देखे तो शक्ल से कितनी मासूम बनी हुई आंसू बहाती रहती, और दीदा दिलेरी तो देखे, मौका मिलते ही बेहयाई से अपना हक जताने पहुंच के। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। ये सब इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी। मसलन क्या करोगी तुम? आपसे एक बात पूछूं आदिल, आप माइंड तो नहीं करेंगे? पूछो। आप विरसा को हमारी मंगनी के मौके पर इतनी अहमियत क्यों दे रहे थे? ये कैसा सवाल है? मुझे पता है आप उससे शादी करना चाहते थे। अस्मा, अस्मा इन सारी बातों को भूल जाओ, ये सारी बातें पुरानी हो गई, विरसा की शादी हो गई और अब हमारी भी मंगनी हो गई है, तो प्लीज भूल जाओ इन सारी बातों को। तो क्या वो अपने शौहर के घर चली गई है? मेरा मतलब है उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट था, क्या वो खत्म हो गया है? नहीं खत्म हुआ। और अस्मा, अरसा मेरी दोस्त, एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत मासूम सी कजन, आजकल बहुत परेशान है,
बहुत उदास है, बस आने वाले दिन उसको पहलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका मूड नॉर्मल हो जाए। और ऐसा जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम इन सारी बातों को सीरियस मत लो, मत परेशान हो इसकी वजह से। और अगर मैं कह दूं कि कोई लड़का मेरा भी दोस्त है तो कैसा लगेगा इन्हें? क्या हो गया है, कहां खो गई हो? अच्छा चलो सही है, खुदा हाफिज। तुम्हारी चाय। किससे फोन पे बात कर रहे थे? नहीं अस्मा थी। तो बात करते रहते, मेरी वजह से फोन क्यों बंद कर दिया? तो वैसे भी वो तुम्हारी मंगेतर है। मैंने आपकी वजह से फोन बंद नहीं किया है, बात ही खत्म हो गई थी बस इसीलिए। क्या बात है बेटा, तुम बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हमें पता नहीं, अस्मा को लगता है कि मैं अभी विरसा से, मतलब वो विरसा को लेकर बहुत इनसिक्योर है। तुम भी तो कितने अहमक हो, किसी भी लड़की के सामने अगर उसका मंगेतर दूसरी लड़की को अहमियत देगा तो वो ऐसा ही फील करेगी। देखो बेटा, मैं जानती हूं कि विरसा के लिए तुम क्या फीलिंग्स रखते थे, मगर अब उसे तुम भूल जाओ, यही तुम्हारे और अस्मा के हक में बेहतर है। चाय पियो। नाराज है मुझसे, खाना भी नहीं खा रहे। अभी मैंने पूछा कि मैं आपके लिए चाय बना दूं तो कोई जवाब भी नहीं दिया। अच्छा संभालो खुद को। तनी क्यों नाराज हो गए? तुम ये सब क्या कर रही हो? अपनी अम्मी अबू की सुलह कराने लगी हूं। एक आंसू भी नहीं निकालना बाप ने, खबरदार। चले मेरे पीछे आए। आए अम्मी फौरन। चले भाई। अब्बू अम्मी से फौरन सुलह कीजिए मेरी खातिर। यकीन करें अबू, जो कुछ भी हुआ उसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं था। देखो विरसा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें। ये बातें छोड़े ना अबू, खाना खा लें और अम्मी से सुलह करें। मैं तुम्हारा बाप हूं विरसा, तुम जानती हो कि तुम मुझे कितनी अजीज हो। वकार में बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई तंग नजर और घटिया इंसान है। उसके दिल में एक बार किसी के लिए मैल आ जाए तो उसे माफ करना तो दूर की बात, वो भुला भी नहीं सकता। और ऐसा शख्स अच्छा इंसान नहीं हो सकता बेटा। अच्छा आप छोड़े इन सब बातों को, अब खाना खाए ना, फिर चाय भी बनानी है आपके लिए। खाना नहीं खाऊंगा मैं, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम वादा नहीं करती कि आइंदा मुझसे पूछे बगैर बकार को मिलने नहीं जाऊंगा। और याद रखना विरसा, आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि ना मैं तुम्हें बेइज्जत होता देख सकता हूं
और ना ही अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी भी मैं वकार से आपसे पूछे बगैर नहीं मिलूंगी। आप बस ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। लो भाई, देखने वाला तो मेरे हाथ से भी खाना पड़ेगा ना। ये लो। और अब तुम्हें पता है कि लोग बहुत जल रहे होंगे क्योंकि मैंने उन्हें तो ऑफर की ही नहीं। चलो उनकी जलन को खत्म करने के लिए एक निवाला उन्हें भी खिला देते हैं। और वो जो तुम बहुत बुरी सी चाय बना के लाती हो ना, वो बना लाओ, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा डालना ताकि अंदर की कड़वाहट खत्म हो सके। क्या बात, तुमने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं और दूध का गिलास इस तरह दिया जैसे मेरी शक्ल से बेजार हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस किसी और ख्याल में हूं। किस ख्याल में थी तुम, यही जानना चाहता हूं मैं। आप थके हारे काम से आए हैं, सो जाएं। नहीं सोना मुझे, मुझे पहले बताओ कि बात क्या है। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अपनी बेटी की हालत देखिए, अंदर ही अंदर से वो घुलता चला जा रहा है, दुख और अजियत से टूट रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। तो फिर उस दुख और अजियत की वजह को छोड़ क्यों नहीं देता, तलाक दे दे, 50 लाख रुपया बेटे का सदका समझ के बोल जाऊंगा। जानती थी मैं कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का। अम्मा, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगी कि वर्षा का रिश्ता फटाक से टूट जाएगा, लेकिन तुम तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी हो, पता नहीं क्या सोच रही हो। और तुम्हें इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है, इधर से आए तो यही बात, उधर से आए तो यही बात। अरे ओ फालतू इंसान, किसी काम धंधे के बारे में भी सोच। मेरे जहन को फारिग करोगी तो कुछ और सोचूंगा ना मैं। क्या मतलब? मतलब साफ है ना अम्मा, तुम मुझे यकीन दिला दो कि विरसा मेरी हो जाएगी तो मैं कोई काम धंधा भी शुरू कर दूंगा। कसम से जब भी सोचने बैठता हूँ ना, विरसा के अलावा कुछ आता नहीं है मेरे दिमाग में। अरे चुप कर, मजरूम की औलाद, तेरी ही माँ हूँ, सब जानती हूँ मैं तेरी ये ड्रामेबाजियाँ। अम्मा मेरी क्लास लेना बंद करोगी अब तुम? कोई काम की बात है तो बोलो। अच्छा बैठ बैठ। शुक्रिया अम्मा। आराम नहीं करने देता। Thank you.
प्यार मोड़ दे।